अमरनाथ गोस्वामी, निवासी हल्द्वानी दमवाडुंगा से, और मूल निवास मेरा जागेश्वर अल्मोड़ा, और मैंने हल्द्वानी से ही शिक्षा प्राप्ति की है। जब मैं कक्षा आठ में पढ़ता था, तो एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, तो एक रास्ते में कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं वहाँ जाके देखने लगा, तो उसमें हमारे कुमाऊँ की संस्कृति, झोड़ा चाचरी गाने हो गए पहाड़ी, और ये चीज़ चल रहे थे। तो मैंने देखा, काश मैं भी इस लाइन में होता तो कितना अच्छा होता। तो जब मैं देख के घर को गया, मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं भी पहाड़ी गानों में डांस करना चाहता हूँ। उनने कहा, बेटा क्या करेगा, अपना पढ़ाई करो। तो एक दिन स्कूल में ऐसी 15 अगस्त में प्रोग्राम था, तो हमारे स्कूल की जो टीम थी हल्द्वानी में, एक स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ गई थी। तो वहाँ हमने प्रोग्राम दिखाया, तो एक कोई हमारे वहीं के कोई थे, उनने देखा डांस, उनने कहा, बेटा तुम डांस करना चाहते हो पहाड़ी में? मैंने उनसे कहा हाँ। तो ऐसे ही करते हुए उनके संग मैं ग्रुप में जुड़ गया। तो ग्रुप में जुड़ते हुए मैंने काफ़ी स्टेज शो और काफ़ी शूटिंगें की, और आज मतलब मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि अपनी जो कुमाऊँ की संस्कृति है, उसके लिए मैं अपनी जॉब भी छोड़ सकता हूँ, परंतु मैं ये कुमाऊनी प्रोग्राम और शूट ये चीज़ नहीं। मैंने जब शूट चालू किया था, उसमें मैं पीछे ग्रुप में डांस करता था, तो धीरे धीरे मुझे भी लगता था कि मैं आगे जाके मेन लीड करूं। तो कम से कम एक दो साल मैंने पीछे से कोरस करा। फिर एक बार मैंने ललित मोहन जोशी जी की जो एल्बम थी साची तेरो प्यार, उसमें मैंने फौजी का रोल किया था, तो उसमें काफ़ी मतलब वो गाना अच्छा भी हिट भी गया। जब मैं एक बार पिथौरागढ़ प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ मैंने एक कॉमेडी गाना जो नेपाल से वो है, उसके बोल थे लाठी टेकी बोझी टेकू ल्याओ ल्याओ ल्याओ, तो वो गाना किया, लोगों ने बहुत पसंद किया कि आप बहुत अच्छा कॉमेडी भी करते हैं और डांस भी करते हैं। जब वो नेपाली सॉन्ग किया, तो जहाँ भी मैं जाता था, तो पहले उसकी फरमाइश आती थी कि उसी नेपाली गाने को दिखाइए। मंगल सिंह चौहान जी हैं, उनके संग एक गाना किया था हीरा समधनी, तो उसमें मुझे मंगलदा ने कहा, अमर तुम नेपाली का रोल करोगे। तो उसमें जब एल्बम में मैंने वो हीरा समधनी गाना करा, तो उससे मैं काफ़ी फेमस, और मंगलदा के वजह से काफ़ी मतलब लोग देखते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी कॉमेडी करी, मंगलदा तो थे ही, तो आप भी मतलब कहाँ से उभरे और कहाँ से ये नेपाली गाना में आपने जो हीरा समधनी गाना करा था, ये इतना अच्छा हुआ जो पूरी मतलब कुमाऊँ और गढ़वाल में चल रहा है। जैसे कभी हमारे पास फोन आ जाता है कि आज यहाँ जाना है, तो कभी कभी हमें रात को 12 बजे भी निकलना पड़ता है। तो जैसे हम रात को 12 बजे यहाँ से निकले, तो सुबह पहुँचते हैं, तो हमें इतना ये नहीं होता है कि सोने का टाइम नहीं मिल पाता है, बस थोड़ा देर सोए, फिर उसके बाद रिहर्सल करनी है, फिर थोड़ा देर बाद घूमे घामे, फिर प्रोग्राम करना है, उसके बाद थोड़ा देर बाद दूसरे प्रोग्राम में, मतलब उसकी लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं भी हमें जाना पड़ सकता है। उनसे हम लोगों को जानकारी बहुत जल्दी मिल जाती है, जैसे आजकल YouTube में ही देख लीजिए आप, कोई सा भी गाना लॉन्च होता है, तो पहले YouTube चैनल में सोशल मीडिया द्वारा हम लोगों के पास पहुँच जाता है, और कोई दुर्घटना हो या किसी का कोई नया गाना आया हो, वो चीज़ हम लोगों के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है। एक बार मैं अल्मोड़ा गया था, तो शादी में जब वहां गया, लोग मुझे देख रहे थे बार बार, मैं उनके पास गया, भैया आप क्या बात, मुझे जानते हो? उनने कहा नहीं। तो एक दूसरा आया, उसने कहा, भैया आप एल्बमों में, कुमाऊनी एल्बमों में हीरो का रोल करते हो? मैंने कहा हाँ। तो आपका मैंने एक गाना देखा है। फिर मैंने पूछा कौन सा, उनने कहा एक आपने ललित मोहन जोशी की एल्बम की थी, ना बास घुगुती रूख माँ ईजू होली मेरी दुख माँ, तो उसमें आपने जो एक्टिंग की थी, तो उसमें हमारे घर वाले सब रो पड़े।
तो उसने बोला कि हमारी जो मम्मी है मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। तो उस उनकी माँ ने मुझे गले लगा लिया, और जो इसमें आंसू आपने बहाए हैं इस गाने में, तो इसमें मुझे अपने लड़के की याद आती है बहुत, क्योंकि वो आर्मी में है। तो उनने मतलब ऐसा कहा कि तो मुझे रोना भी आ गया। ऐसे बुरी बात तो आज तक किसी ने नहीं कही, जहाँ भी जाते हैं लोग शाबाशी ही देते हैं और कहते हैं कि दोबारा जल्दी आना और अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाना। 1-2 साल तक तो हमने ऐसी फ्री में करा। तो एक बार मैंने जो हमारे ग्रुप लीडर थे उनसे कहा, भैया नचाते ही रहोगे या कुछ दोगे? तो जब हम पिथौरागढ़ गए थे तो 2 दिन का प्रोग्राम था, तो उनने 200 रुपये दिए और कहा कि ये तुम्हारा इनाम। तो हमें बहुत खुशी हुई, ललित मोहन जोशी जी, जितेंद्र तुमक्याल और पप्पू दा, जिनको मैं बहुत, पप्पू दा को तो मैं बहुत याद करता हूँ कि अचानक ही उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई। तो उनके गाने अब सुनाई तो नहीं देंगे, मतलब गा नए तो नहीं गा पाएंगे, और जो गाने हैं वो अमर हो गए हैं। ललित मोहन जोशी जी ने गाया था टक टकाटक कमला। मैं घर में खाली जब संडे को घर में रहता हूँ तो मैं खाना ही बनाता हूँ। जैसे खाने में झोली भात हो गया, और कभी रोटी बना दी, कभी सब्जी, संबंध बहुत अच्छा है। खाने को मैं थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं करता हूँ। अंजलि रावत जी हैं जो देहरादून से बिलोंग करती हैं, वो काफ़ी अच्छी मतलब एक्टर भी हैं, काफ़ी उसके मतलब जो डांस है और एक्टिंग, बोलने चालने का ढंग बहुत अच्छा लगता है। ऐसा सोचता हूँ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मुझे सबसे अच्छा अपने दोस्तों के संग रहना पसंद है, और उनके संग घूमना, और अपने घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना। मैं अपनी संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और लोगों से भी यही कहता हूँ कि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए।